this is part 8 of human health and diseases. in this part, we will discuss about the tobacco and alcohol addiction or abuse. first, we will discuss what is addiction. it is the habitual psychological, physiological dependence on a substance or practice which is beyond a voluntary control. ए पर्सन हु इज़ हैबिटुएटेड टू ए सब्सटेंस और ए प्रैक्टिस इज कॉल्ड एन एडिक्ट किसी भी सब्सटेंस पर को लेने की अगर हमारी हैबिट बन जाती है और ये सब्सटेंस हमारे फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल बिहेवियर को चेंज करता है ऑल्टर करता है और तो इसको हम एडिक्शन कहते हैं कोई भी पर्सन जो किसी भी सब्सटेंस को लेकर हैबिटुएटेड है कि उसको आदत है उस सब्सटेंस को बार बार लेने की तो ऐसे पर्सन को हम एक एडिक्ट कहते हैं सबसे पहले हम देखते हैं टोबैको एडिक्शन या एब्यूज सोर्स ऑफ टोबैको क्या है निकोटियाना टोबैकम या निकोटियाना रस्टिका ये वो प्लांट है जिनकी लीव से टोबैको बनाया जाता है मोड ऑफ यूज टोबैको तो को स्मोकिंग के जरिए च्यूइंग के जरिए या स्नफिंग स्मोकिंग मीन सिगरेट वगैरह पान में अगर डाल के कोई खाता है तो ये च्यूइंग है स्नफिंग का मतलब है कि इसको सूंग कर यूज किया जा रहा है तो इसे स्नफिंग कहेंगे इफेक्ट ऑफ निकोटीन निकोटीन इज़ हाईली पॉइजनस एंड हैबिट फार्मिंग सब्सटेंस टोबैको में जो निकोटीन पाया जाता है ये बहुत ही पॉइजनस है और हैबिट फार्मिंग है इट प्रड्यूसिज अ फीलिंग ऑफ ट्रेंक्यूलिटी कामनेस एंड मेड पीपल एलर्ट एंड एक्टिव ये एक तरह का स्टूमुलेंट है जिससे एक कामनेस शॉर्ट टर्म के लिए कामनेस की फीलिंग आती है और हम थोड़ा सा एलर्ट या एक्टिव फील करते हैं लेकिन ये, ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है इट स्टमुलेट पैसेज ऑफ न इम्पलसेस कॉजेज मसेस टू रिलैक्स एंड

हार्ट uh, के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से हार्ट डिजीजेज हो जाती हैं इन प्रेगनेंट वीमेन निकोटीन काजेज रिटार्डेशन एंड एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ़ द फीटर्स अगर प्रेगनेंट वीमेन स्मोकिंग करती है तो उसके फीटर्स के ऊपर एक एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ता है और एक मेंटल रिटार्डेशन या एबनॉर्मल ग्रोथ देखी जाती है Effect of carbon monoxide it is a toxic gas that interferes with the oxygen transport and utilization. Because cigarette smoke contains about 2 to 6% of the carbon monoxide, smokers inhale concentration as high as 400 ppm and develop elevated carboxyhemoglobin level. क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग में टोबैको को बर्न किया जाता है तो यहाँ पर टू टू सिक्स परसेंट कार्बन मोनोऑक्साइड उस स्मोक में पाया जाता है नॉर्मली हमारा जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन से बाइंड होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और इसी फॉर्म में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है अप टू टिश्यूज़ टिश्यूज में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से डिसोशिएट हो जाता है एंड हीमोग्लोबिन इज रीसाइकिल्ड एंड They carry another molecule of oxygen. But if carbon monoxide is present with oxygen, then it binds with hemoglobin to form the carboxyhemoglobin. And due to formation of carboxyhemoglobin, the oxygen transport capacity of the hemoglobin is decreased. Disease caused by smoking, cancer. द बजाई बैंसपायरिन प्रजेंट इन टोबैको इस्कॉ कैंसर बिकॉज इस है काचिनोजैन कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस हाइपर टेंशन मीनस हाई ब्लड प्रेशर हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया एंड क्रोनरी हार्ट डिजीज तो इस टोबैको के इस्तेमाल से बहुत सारी हार्ट डिजीज होती हैं रेस्परेटरी डिजीजे क्रोनिक ब्रॉकइटिस और एम्पीसीमा मीन्स दैट स्वेलिंग ऑफ एल वी टेक्स प्लेस इफेक्ट ऑन प्रेगनेंसी इट कॉज डिले कॉन्सेप्शन स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में अफेक्ट द फीटर्स एडवर्सली तो प्रेगनेंट वीमेन अगर स्मोकिंग करती है तो उसके फीटर्स पे एडवर्स इफेक्ट होते हैं एबनॉर्मल ग्रोथ पाई जाती है गेस्ट्रो इन टेस्टाइनल डिसऑर्डर गैस्ट्रिक और डिडोनल अल्सर्स पाए जाते हैं डिप्रेशन जो स्मोकर्स हैं वो उनमें डिप्रेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पाई जाती है स्मोकिंग पैसि स्मोकिंग एक इस तरह का है कि अगर कुछ लोग स्मोकिंग कर रहे हैं और कुछ पर्सन नहीं कर रहे हैं लेकिन वो जो स्मोक है उसको इनहेल कर रहे हैं तो जो नॉन स्मोकर्स हैं दे आर द पैसिव स्मोकर्स एंड दे आर इक्वली हार्म बाई दैट स्मोक इनके अंदर भी कोरोनरी हार्ट डिजीजेस पाई जाती हैं और लंग कैंसर जैसी बीमारी हो जाती हैं तो स्मोकर्स के साथ साथ, साथ में बैठे हुए नॉन स्मोकरस जो पैसे स्मोकिंग कर रहे हैं इनके हेल्थ को भी खतरा होता है नेक्स्ट इध द एल्कोहल एब्यूज द वर्ड एल्कोहल रिफर्स टू इथाइल एल्कोहल और इथेनॉल अल्कोहल इज मैनुफेक्चर बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर इंडस्ट्रियल अल्कोहल इज ऑप्टेन बाय फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्ची ग्रेन्स बाय ईस्ट फॉर एग्जाम्पल सेक्रोमाइसिस सेरिवाइसी। माल्टोव कैन बी फर्मेंटेड बाय ईस्ट टू प्रोड्यूस अल्कोहल। माल्टोव से भी अल्कोहल बनाया जा सकता है इसके फर्मेंटेशन से द मेजर सोर्स ऑफ कॉमर्शियल एल्कोहल इज मोलेज दैट इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्री तो किसी भी कार्बोहाइड्रेट या शुगर कंपाउंड को के फर्मेंटेशन के बाद अल्कोहल प्रोड्यूस होता है और इस फर्मेंटेशन में मेनली ईस्ट या सैक्रोमाइसिस का यूज किया जाता है फर्मेंटेशन के लिए Next is alcohol abuse. It is normally used in the preparation of some medicines. Alcohol used use many medicines, many cup, syrups, sanitizer, pagare banane use But when drinking of excessive alcohol is done that impairs one's physical, psychological and physiological functions, it constitutes alcohol abuse. अल्कोहल का यूज बहुत सारी मेडिसिनस बनाने में इसका यूज किया जाता है लेकिन जब इसको कोई पर्सन एक्सेसिव अमाउंट में इसे कंज्यूम करता है और वो इसके फिजिकल फिजोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शन को अफेक्ट करता है फिजिकल और फिजोलॉजिकल फ़ंक्शंस का मतलब है उसकी हार्ट बीट इनक्रीज होती है उसका ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ हो जाता है और ये एक तरह का सीडेटिव है इसलिए जो ब्रेन है वो आ, उतना एक्टिव नहीं रहता है तो जब ये हमारे बॉडी को अफेक्ट करना शुरू कर देता है तो इस प्रॉब्लम को हम अल्कोहल एब्यूज़ कहते हैं नेक्स्ट इज़ वाई डू पीपल स्टार्ट टेकिंग एल्कोहल पहला है क्यूरोसिटी एल्डोलिसेंट स्टेज में हमें हर चीज़ को जानने की एक इच्छा होती है कि ये क्या चीज़ है इसका बॉडी पे किस तरह से असर होता है तो किसी भी चीज़ को जानने की जो इच्छा है उसी चाहत में लोग एल्कोहल को कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं प्लेजर बहुत सारे लोग किसी भी ख़ुशी में शादी ब्याह में या किसी फंक्शन में ख़ुशी के मौके पे इसको कंज्यूम करते हैं डिज़ायर टू डू मोर वर्क बहुत सारे लोग ज़्यादा काम की वजह से अल्कोहल कंज्यूम करते हैं जैसे बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स हैं या बस ड्राइवर्स हैं ये रात में ड्राइविंग कर रहे हैं या दिन में ड्राइविंग कर रहे हैं या ट्वेंटी फोर आवर्स ड्राइविंग कर रहे हैं तो ज़्यादा काम करने के लिए अल्कोहल कंज्यूम करते हैं सोशल प्रेशर कुछ सोसाइटीज़ में ऐसे प्रेशर होते हैं कि वहाँ पर सोशल प्रेशर की वजह से लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस मीन्स जब स्टेज के बाद हम जॉब करते हैं ख़ुद की इनकम होती है तो हम इन चीज़ों को कभी ट्राई कर लेते हैं कि हम अब इंडिपेंडेंट हैं हमें पेरेंट्स से कोई मतलब नहीं है तो फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ़ अल्कोहल एब्यूज लाइकिंग ऑफ टेस्ट डिज़ायर ऑफ़ एक्साइटमेंट डिज़ायर टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी ऑफ लाइफ कभी भी हम किसी अपने एम में अनसक्सेसफुल होते हैं तो उससे बचने के लिए हम इस तरह की एल्कोहल एब्यूज़ के चक्कर में पड़ जाते हैं अनहैप्पी मैरिड लाइफ डिज़ायर टू ऑफसेट हार्डशिप्स एंड मोनोटोमी ऑफ डेली लाइफ बहुत ज़्यादा मेहनत और एक ही जैसा काम रोज रोज़ करने से भी एक डिज़ायर होती है कि हम एल्कोहल एब्यूज़ के चक्कर में लोग पड़ जाते हैं नेक्स्ट इज वाट वैन एल्कोहल इज टेकिन एल्कोहल इज़ कंज्यूम्ड वन एल्कोहल इज़ कंज्यूम्ड इट इज़ क्विकली एब्जॉर्ब इन दमक एंड अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज ट्र ट्रांसफर टू द ब्लड सबसे पहले ये हमारे स्टमक में जाता है फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में वहाँ से ये ब्लड में एबजॉर्ब होता है हमें ये मालूम है कि हमारे डाइजस्टिव सिस्टम में एक सिस्टम होता है जिसको हम हिपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में जो वेन्स होती हैं वो ब्लड और वो स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक से फूड को एब्जॉर्ब करने के बाद सीधे लीवर में लेकर जाती हैं तो अल्कोहल भी जब एब्जॉर्ब होता है तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के जरिए वो लीवर में पहुंचता है तो दिस ब्लड कैरीज़ द अल्कोहल टू द लिवर लिवर सिंथिसाइज फैट फ्राम द एल्कोहल एक्सेस फैट इन द लीवर रिड्यूसेज फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन एंजाइम एंड प्रोटीन्स फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है सिरोसिस की प्रॉब्लम होती है और फिर बाद में लीवर कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और लीवर में अगर एक्सेसिव फ़ैट होता है तो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होता है बहुत सारे एंजाइम जो लीवर में बनते हैं वो नहीं बन पाते हैं Or degradation of protein and yani deamination of amino acid be affected. From liver, alcohol moves to different parts of the body and also brain because it is sedative, so it slows down all the processes of the body. Its oxidation starts so that a small amount of energy is produced in the body which gives a, which gives a false feeling of warmth. द स्किन थोड़ा सा अल्कोहल के ऑक्सीडेशन की वजह से जो हीट बॉडी में जनरेट होती है इससे एक वार्म फीलिंग आती है कि हमें ए, सर्दियों में एक गर्मी का एहसास यहाँ पर पता चलता है प्रॉब्लम कॉज बाय अल्कोहल बस इज अ सोशल प्रॉब्लम दिस इंक्लूड एब्सेंस फ्रॉम वर्क अनएम्प्लमेंट मराइटल टेंशंस चाइल्ड एब्यूज़ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स विद लॉ इंक्लूडिंग वॉयेंस एंड ट्रैफिक ऑफेंसेज तो ये सोशल प्रॉब्लम है यानि हमारी सोसाइटी में हम बहुत सारे गलत काम कर देते हैं एल्कोहल के चक्कर में कि अल्कोहल की वजह से काम छूट जाता है अनएम्प्लॉयमेंट होती है घर में मैराइटल टेंशनस होते हैं डाइवोर्स तक हो जाते हैं आज के टाइम में बहुत सारे चाइल्ड एब्यूज़ हैं जो इस नशे की वजह से ही हो रहे हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत महंगी आती हैं तो फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी होती हैं इसके अलावा कुछ वायलेंस और ट्रैफिक ऑफेंसेस भी पाए जाते हैं ज़्यादातर जो रोड एक्सीडेंट होते हैं वो ड्रंकन स्टेट में ही होते हैं जो लोग एल्कोहल कंज्यूम करके ड्राइव करते हैं ड्रिंक ड्राइव एंड ड्रिंक जो प्रॉब्लम है उस वजह से ये होती हैं सेकेंड इज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हैवी ड्रिंकिंग कॉज डिप्रेशन एंड सुसाइड इज मच मोर कॉमन इन एल्कोहलिक देन इन रेस्ट ऑफ द सोसाइटी जो लोग सुसाइड कर रहे हैं उनके अंदर डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है और वो अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद सुसाइड आसानी से कर लेते हैं नेक्स्ट इज अ फिजिकल प्रॉब्लम दे आर वेरिएबल एंड अफेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी वाई ड्राइविंग एंड ड्रिंकिंग डू नाट गोट टूगेदर एल्कोहल अफेक्ट्स जजमेंट अगर कोई ड्रंकेड स्टेट में ड्राइव कर रहा है तो उसको जजमेंट में प्रॉब्लम uh, होती है कि हम राइट टाइम पर राइट जजमेंट नहीं ले पाते हैं और एक्सीडेंट का कॉज बन जाता है एल्कोहल अफेक्ट्स कोऑर्डिनेशन यानि हमारे आँखों हाथ और पैर के बीच का कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब होता है इट अफेक्ट्स एलर्टनेस इट अफेक्ट्स विज़न रिएक्शन टाइम यानी किसी भी प्रॉब्लम या एडवर्स सिचुएशन में हम जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है इट आल्सो अफेक्ट्स बिहेवियर कि लड़ाई झगड़ा मर्डर इस तरह के केसेस देखने को मिलते हैं जो ड्रंक स्टेट में अक्सर किए जाते हैं